कहते हैं एक से भले दो होते हैं, और जब इन्हीं दो की जोड़ी अमीर विजिलेंटी और मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट की होगी तो क्रिमिनल्स का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर बात हाथ से बाहर निकल जाए तो ब्लैक ब्यूटी है ना। ग्रीन हॉर्नेट की जोड़ी उसी समय से विजिलेंटिज्म यानी क्राइम फाइटिंग कर रही है जब से बैटमैन ने अपनी कॉमिक बुक में शुरुआत की थी। पहले रेडियो शो, बाद में टीवी सीरीज और 2011 में फाइनली मूवी के आने के साथ साथ ग्रीन हॉर्नेट की जोड़ी तकरीबन 80 सालों से कॉमिक बुक में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। अब जहां पर एमनीजिया एंटरटेनमेंट ने ग्रीन हॉर्नेट के राइट्स को एक्वायर कर लिया है, हमें ग्रीन हॉर्नेट का एक रीबूट जल्दी ही देखने को मिल सकता है। लेकिन ग्रीन हॉर्नेट की रीबूट जब आएगी तब आएगी। अभी फिलहाल देख लेते हैं ग्रीन हॉर्नेट की ओरिजिन। इस वीडियो के टॉपिक की सजेशन के लिए हम यहाँ पर थैंक्स बोलना चाहेंगे अरसनान रजा को। और अगर आपके पास भी कोई वीडियो टॉपिक सजेशन है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी आने वाली लेटेस्ट और ऑसम वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ग्रीन हॉर्नेट की शुरुआत हुई 1936 की एक अमेरिकन रेडियो शो से जो बेसिकली WXYZ नाम की एक रेडियो स्टेशन पर पहली बार प्रीमियर हुई थी। इसे द लोन रेंजर नाम के अमेरिकन रेडियो शो के क्रिएटर्स ने ही बनाया था। बाद में 1940 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने द ग्रीन हॉर्नेट नाम की मूवी सीरीज इंट्रोड्यूस की, लेकिन असली छाप छोड़ी 1966 की द ग्रीन हॉर्नेट टीवी सीरीज ने। और इसी टीवी सीरीज ने ब्रूस ली को अपना पहला हॉलीवुड रोल दिलवाया, जहां पर उन्होंने शो में चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट कीटो का रोल प्ले किया। बेसिकली शो की प्रीमिस यही थी कि ब्रिट रीड अपने पिता द्वारा छोड़ी हुई सेंट्रल न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक बनता है, तब जब उसके पिता की असैसिनेशन हो जाती है। लेकिन अपने पिता के कातिलों को सजा देने के लिए और शिकागो को क्राइम से बचाने के लिए वो अपने साथी केटो के साथ मिलकर ग्रीन हॉर्नेट टीम बनाता है। और उन दोनों की असलियत सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फ्रैंक स्कैलन और ब्रिट की सेक्रेटरी लेनोर केस को मालूम होता है। जहां पर केटो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर होता है, वहीं पर ग्रीन हॉर्नेट यानी कि ब्रिट रीड अपने इनहेरिटेंस और इंटेलिजेंस को मिलाकर अलग अलग प्रकार के गैजेट डेवलप करता है जो उन्हें क्रिमिनल्स पर एज देते हैं। इस चीज में सबसे नोटेबल है द ब्लैक ब्यूटी, जो बेसिकली ऐसी कार होती है जो इन दोनों के लिए टैंक का भी काम करती है। पर वो कहते हैं ना कि गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। यही कारण है कि ग्रीन हॉर्नेट की जोड़ी को लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करती है। और जहां पर आपको ये चीज नाइंसाफी लगती है, वहीं पर ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और क्राइम और अंडरवर्ल्ड में विजिलेंटी बनकर अपने टारगेट के साथ जस्टिस करते हैं। वहीं पर कॉमिक्स में इस प्लॉट को थोड़ा और डार्क किया गया, जहां पर ब्रिट रीड वेल्दी न्यूज़पेपर एडिटर डैनियल रीड का बेटा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्रीन हॉर्नेट रेडियो शो को लोन रेंजर के क्रिएटर्स ने बनाया था, कॉमिक बुक में ग्रीन हॉर्नेट की ओरिजिन में ग्रीन हॉर्नेट को लोन रेंजर का ग्रेट नेफ्यू बताया गया है, यानी विजिलेंटिज्म उसके खून में है। अपने पिता की लेगेसी को संभालने से पहले ब्रिट रीड पूरी दुनिया को घूमना चाहता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया घूमने का फैसला उसके लिए अच्छा साबित नहीं होता है। और अफ्रीका से खुद की जान छुड़ाने के बाद वो चाइना पहुंचता है, जहां पर इंपीरियल जापानीज आर्मी से केटो की जान बचाने के बाद केटो उसका एहसान मंद हो जाता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब वो केटो को लेकर अमेरिका पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। फाइनली ब्रिट अपने पिता की लेगेसी सेंट्रल न्यूज़पेपर को संभालता है और साथ ही साथ शहर में बढ़ते क्राइम्स के साथ भी निपटने का फैसला करता है, जहां पर केटो अपनी मार्शल आर्ट की नॉलेज के साथ उसका साथ निभाता है। और ऑफ कोर्स ब्रिट रीड की दौलत और ब्लैक ब्यूटी तो है ही। इसके बाद भी कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसके कारण ओरिजिनल ग्रीन हॉर्नेट जोड़ी के कई सारे वर्जन्स हैं, जिसमें ज्यादातर इनके डिसेंडेंट्स ही हैं। बट प्रीटी मच ओरिजिनल ग्रीन हॉर्नेट की यही कहानी थी। अब चलिए बात करते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। जी नहीं, इनके पास कोई अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ या सुपर पावर्स नहीं है। यहाँ तक कि मैं तो ये भी मानता हूँ कि ये बैटमैन के भी टोन डाउन वर्जन्स हैं। यही कारण है कि ये पुराने जमाने के हिसाब से इतना ज्यादा रेलेवेंट था और इसकी टीवी सीरीज को लोग उस समय इतना ज्यादा पसंद करते थे। अब बैटमैन की बात हुई है तो चलिए आपको एक बोनस फैक्ट भी बताते हैं। 1966 के दौरान बैटमैन और ग्रीन हॉर्नेट ये दोनों टीवी शो एक साथ ही आते थे, जिसके कारण ग्रीन हॉर्नेट बैटमैन के साथ भी क्रॉसओवर एक एपिसोड के लिए कर चुके हैं। और कॉमिक बुक्स में बैटमैन 1966 और ग्रीन हॉर्नेट का कई बार क्रॉसओवर हो चुका है। वहीं पर ग्रीन हॉर्नेट की पावर्स एंड एबिलिटीज पर फिर से आए तो ब्रिट रीड के पास अपने पिता की छोड़ी हुई अथाह संपत्ति है, जिसे वो अपनी जीनियस लेवल इंटेलेक्ट से काफी अच्छे से यूज करता है। इसीलिए उसने कई तरह के गैजेट्स भी बनाए हैं, जैसे कि उसकी फेमस गैस गन, जिसकी मदद से वो अपने ओपोनेंट्स को बिना हर्ट किए नॉकआउट कर सकता है। और ऑफ कोर्स कौन भूल सकता है ब्लैक ब्यूटी कार को, जो बेसिकली एक टैंक है और उसमें वो समय समय पर बदलाव करता रहता है।
इसके अलावा टीवी सीरीज और मूवीज में हमने देखा कि ग्रीन हॉर्नेट के पास कई सारे गैजेट्स और इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके ऊपर से वो वेपन्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी माहिर है। अब बात करते हैं केटो की। तो बेसिकली केटो एक मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट है, पर फिर भी उसके पास कार्स और मैकेनिकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ नियरली इनविंसिबल होते हैं। अब बात करते हैं इस सीरीज पर आई मूवीज के बारे में। तो अगर आपको भी लगता है कि 2011 की मूवी ही सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हॉर्नेट की ऑफिशियल मूवी है तो आपको गलत लगता है। अर्ली रेडियोज, टीवी शोज और मूवीज के अलावा भी ग्रीन हॉर्नेट पर कई सारी मूवीज बन चुकी हैं, जैसे कि 1994 की हांगकांग की द ग्रीन हॉर्नेट मूवी। ये बेसिकली सोलली केतो की कहानी थी और इसमें रोल प्ले किया था कार्लोक चिन ने। वहीं पर 2006 में भी ग्रीन हॉर्नेट की एक शॉर्ट फिल्म भी आ चुकी है। और फाइनली 2009 में जब डायनामाइट कॉमिक्स ने अमेरिकन राइटर केविन स्मिथ के साथ मिलकर ग्रीन हॉर्नेट सीरीज का कॉमिक बुक में रिबूट किया, तब इसी पर बेस 2011 की मूवी को बनाया गया। पर फिर भी मूवी इतनी कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें कई सारे बदलाव थे जो ओरिजिनल ग्रीन हॉर्नेट टीवी शो और कॉमिक बुक से कहीं ज्यादा अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवी में हमें एक्शन कॉमेडी का तड़का देखने को मिला, वहीं पर बेसिकली टीवी सीरीज और कॉमिक्स बहुत हद तक डार्क है। जहां पर ब्रिटिड एक सीरियस और रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है, वहीं पर सेथ रोगन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा लैविश और गैर जिम्मेदार है, और सारा का सारा काम और जुगाड़ केतो को ही करना पड़ता है, जो पूरी तरह से सच नहीं है। और अब जाकर एमनीजिया एंटरटेनमेंट ने ग्रीन हॉर्नेट फ्रेंचाइजी को एक्वायर कर लिया है, और उम्मीद है कि उनकी तरफ से हमें जल्दी ही ग्रीन हॉर्नेट की कोई मूवी या फिर टीवी सीरीज देखने को मिल ही जाए। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये थी ग्रीन हॉर्नेट की ओरिजिन वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ग्रीन हॉर्नेट टीम के बारे में और भी अच्छे से जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आप भी किसी स्पेशल कैरेक्टर की ओरिजिन वीडियो देखना चाहते हैं तो, और हमारी ऐसे ही आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते कि आपका दोस्त या कोई जानने वाला इस वीडियो को देखे तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। अंत में, हमारी ऐसी ऑसम कंटेंट और उससे जुड़े हुए न्यूज अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।